पाक युद्ध का 50वां विजय दिवस सादे समारोह के रूप में शहर के संकन गार्डन स्थित युद्ध स्मारक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सदर मंडी शहजाद आलम ने की। इस मौके पर पूर्व सैनिकों व वीर नारियों की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर 1971 भारत पाक युद्ध में शहादत का जाम पीकर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विस लीग मंडी के जिलाध्यक्ष कर्नल प्रताप चौहान ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 में सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान पर आक्रमण करने के आदेश दिए थे, लेकिन सेना प्रमुख ने कहा कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, हम पूरी तैयारी के साथ युद्ध करना चाहते हैं। ये युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। 14 दिन के इस युद्ध में भारतीय सेना पूर्ण तैयारी व प्लानिंग के साथ उतरी थी। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल JFR जैकब की इस युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। मेजर जनरल जैकब ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियांजी को हथियार डालने पर मजबूर कर 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। सेना की पूर्वी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियांजी ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। उसी दिन से हर वर्ष 16 दिसंबर को भारत पाक युद्ध विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में देश के 3,843 शूरवीरों ने शहादत का जाम पिया था। 9,851 सैनिक घायल हुए थे। प्रदेश के 190 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसमें मंडी जिला के 2 शूरवीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट हूं और आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम अपना 1971 वॉर का विजय दिवस सेलिब्रेट करें। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत ही सीमित मात्रा में लिमिटेड नंबर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन इनवाइट किए हैं, जो कि हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट से भिन्न भिन्न इकाइयों से आए हुए हैं। 71 वॉर 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को टर्मिनेट किया गया। इसमें भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और उसके 2 टुकड़े किए, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। ये युद्ध साइकोलॉजिकल युद्ध था, जिसमें भारत की सेना ने अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाई कि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स एक रिकॉर्ड है जो कि वर्ल्ड में सरेंडर किए थे, और जिसमें हमारी कैजुअलिटी 3,800 के आसपास हुई, वेयरएज पाकिस्तान की 9,000 के आसपास कैजुअलिटी हुई, मतलब डेथ्स शहीद हुए, और हमने पाकिस्तान के 9,000 सोल्जर्स को मारा। और फिर हमारा देश अपने सैनिकों को याद करे और उनके परिवार, उनकी जो विडोज और उनके जो आश्रित हैं, उनके साथ सहानुभूति, सरकार ने जो वादे किए हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनके मॉनिटर फैसिलिटीज़, वो जो एमेलमेंट्स, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए उनसे भी संपर्क स्थापित करें। मैं जिला सैनिक बोर्ड, कल्याण बोर्ड से भी अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उन विडोज़, वॉर विडोज़ और उनके आश्रितों का समय समय पर उनके साथ संपर्क करें और उनको यथा संभव जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं विडो के बारे में, उनके आश्रितों के बारे में, उनको जल्दी से जल्दी प्रदान करें।